जय शनिदेव महाराज की। आज हम आपको लेकर आए हैं कोकलावन धाम, जहाँ पर महाराज शनिदेव का भव्य मंदिर बना हुआ है और शनिवार के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पर महाराज शनिदेव के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। शनिदेव कोकलावन धाम, जहाँ पर अपूर्ण अनोखा भव्य मंदिर बना हुआ है। आइए बताते हैं कैसे शनिदेव महाराज कोकलावन में आए और कैसे वहाँ पर उनकी पूजा होने लगी। तो महाराज शनिदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनकी कठोर उनकी तपस्या की। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कोयल के रूप में यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि नंदगांव के पास कोकलावन वन है, आप वहाँ जाकर रहो, जो भी आपके भव्य दर्शन करेगा और आपकी परिक्रमा लगाएगा उन्हें आपका फल और मेरा फल दोनों ही प्राप्त होंगे। तब से भगवान शनिदेव कोकलावन धाम में विराजमान है। जो भी कोकलावन आता है महाराज शनिदेव की पूजा अर्चना करता है, भव्य दर्शन करता है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोसी कला के पास कोकलावन धाम, जहाँ पर महाराज शनिदेव की पूजा की जाती है। यदि आपको भी मौका मिले तो जरूर भव्य दर्शन करें कोकलावन महाराज के और उनकी कृपा प्राप्त करें। धीरे धीरे हम चलते हुए कोकलावन के धाम में पहुँचे और अब हम शनिदेव मंदिर की तरफ हम अग्रसर होते जा रहे थे। ये यहाँ से सामने देखो शनिदेव महाराज के भव्य दर्शन आपको होंगे। ये देखिए जय महाराज शनिदेव की, जय शनिदेव महाराज की। यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है महाराज शनिदेव पर और महाराज शनिदेव की उनको कृपा प्राप्त होती है। आप भी जरूर शनिदेव मंदिर आएं और महाराज शनिदेव की कृपा प्राप्त करें। जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है और तेल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पास में ही भगवान कोकलावन धाम का मंदिर है, वहां के भी भव्य दर्शन करें। कोकलावन आने पर आपको एक सुखद अनुभव होता है और शनि देव का सानिध्य कृपा प्राप्त होती है। जय शनिदेव महाराज की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय शनिदेव, जय शनिदेव।